आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेंगाली थाना पुलिस की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग किए जाने के दौरान एक बाइक सवार शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस ने उसकी बाइक को जब्त करने के साथ धारा 41 पर उसे नोटिस देकर छोड़ने की सूचना मिली। सदर थाना अंतर्गत हंसामुरा कटापाली में एक महिला के साथ उनके परिवार वालों ने टॉर्चर करने को लेकर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। झारसा कनकतुरा नेशनल हाईवे पर स्थित विभिन्न समस्याओं का समाधान करने को लेकर आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किए रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पुजारी। रोड सेल कोयला परिवहन शुरू करने की मांग को लेकर महासमलेश्वरी ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से एमसीएल कोयला खदान में धरना प्रदर्शन किया गया। जिले की विभिन्न जगहों पर आज भारी मात्रा में बारिश होने को लेकर जिले के लिए येलो वार्निंग जारी किया गया। लखनपुर थाना अंतर्गत बागमुंडा लेमी टेकरा महानदी के किनारे से पुलिस ने एक मृत शरीर का उद्धार किया है। मृतक की पहचान बड़गांव के संजय मांझी के रूप में हुई। स्विनी एक्सप्रेस से झारसा रेलवे स्टेशन पर दो यात्रियों के पर्स और मोबाइल फोन चोरी हो जाने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ उनके पास से चोरी का सामान जब्त किया। जिला संस्कृति भवन में वरिष्ठ नागरिक संघ की ओर से स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधायक टंगादत्त त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फिलेरिया रोग के निधन के लिए सारे लोग मेडिसिन खाने को लेकर झारसुआ सीडीएम एंड पीएचओ कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस मीट का आयोजन किए। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।